नेक्स्ट डिसीज राइट डाउन, न्यूमोनिया। इन दिस राइट डाउन कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और नॉट और एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों ऑर्गेनिज्म न्यूमोनिया डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मोड ऑफ स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स अगर किसी पर्सन को छींक आती है, खांसी होती है, तो उसके माउथ नोज से स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पैथोजेंस सामने वाले पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। या फिर जो पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है, पेन, फोन, कुछ भी, और अगर वो दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आती है वो चीज़, वहाँ पर भी चीज़ें इन्फेक्ट हो सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस मोस्टली रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। क्लियर ये पॉइंट हम कोविड में देख चुके हैं। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो लिखो इसमें, दिस डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। दिस डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आइदर ड्यू टू स्नीजिंग और कफिंग, आइदर ड्यू टू स्नीजिंग और कफिंग, और बाय यूजिंग इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और बाय यूजिंग इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, फोन, कीबोर्ड एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, न्यूमोनिया में फीवर आता है, फीवर विथ चिल्स, कफ। न्यूमोनिया के केस में लंग्स के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, और जब हम बात करते हैं न्यूमोनिया के सीवियर केसेस की, तो हमारे फिंगर टिप्स, नेल्स, टिप ऑफ नोज, दे स्टार्ट टू बिकम ब्लूइश इन कलर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो न्यूमोनिया के दो मेन सिम्टम्स हैं, लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, और सीवियर केसेस में फिंगर टिप्स या नेल्स कैसे होने लगते हैं, ब्लूइश इन कलर। अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ कॉमन कोल्ड लंग्स पर अटैक नहीं करता,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर करता है, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सॉर थ्रॉट, बट किस पर अटैक नहीं करता? लंग्स। जबकि न्यूमोनिया किस पर करता है? लंग्स पर। जस्ट राइट डाउन सिम्टम्स, फीवर विथ चिल्स, कफ, देन लंग्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड, लंग्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड, एंड इन सीवियर केसेस, एंड इन सीवियर केसेस फिंगर टिप्स, नेल्स एंड टिप ऑफ नोज बिकम ब्लूइश इन कलर। ब्लू बेबी सिंड्रोम डिफरेंट चीज है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स की, जैसे एक ड्रग होती है क्लोरमफेनिकॉल, अगर वो ड्रग प्रेगनेंसी के टाइम पर ली जाती है तो उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन रिड्यूस होने लगता है, उस केस में हाँ नहीं, जब किसी भी डिसीज़ में अगर हमारी बॉडी ब्लूइश कलर की होने लगे, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली साइनोसिस। क्या कहलाता है? साइनोसिस के दो टाइप्स होते हैं, सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस। मतलब अगर आपके ईयर, टिप ऑफ नोज, मतलब आपकी बॉडी की पेरिफेरी ब्लूइश हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल साइनोसिस। और लिप्स, टिप ऑफ नोज का पूरा नोज वाला पार्ट, ये पूरा आपका ब्लू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल साइनोसिस। तो साइनोसिस एक सिम्टम है जहाँ पर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या हो जाता है? कम। जैसे एनीमिया होता है, 10 ग्राम परसेंट से हीमोग्लोबिन कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। जब हमारी बॉडी में रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का अमाउंट 5 ग्राम बचता है, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस। तो साइनोसिस एक सिम्टम है जो कई सारी डिसीजेज में होता है, न्यूमोनिया हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, एक ब्लू बेबी डिसीज भी होती है जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मरकरी या नाइट्रोजन कंबाइंड कर जाता है, वो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज में वहाँ पर, ठीक है। तो कई डिसीजेज जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम है, दैट इज़ ड्यू टू क्लोरमफेनिकॉल, एक ड्रग होती है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए वो ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। अंडरस्टूड? तो फिंगर टिप्स और नेल्स और टिप्स ऑफ नोज बिकम ब्लूइश इन कलर। अब लिखो इसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कुछ नहीं करना। एक होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो सब में कराया जाता है, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमोनिया के केस में क्या करा सकता है? वो एक्सरे करा सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन समझ में आ जाता है। लिखो इसमें दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइसोलेटिंग दी पेशेंट। पेशेंट को आइसोलेट कर दो, और हम इंडियंस पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और भर भर के जाते हैं। आइसोलेटिंग दी पेशेंट, लिखो इसमें अ प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज गिवन, अ प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज गिवन टू प्रोवाइड रिलीफ, अ प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज गिवन टू प्रोवाइड रिलीफ।